नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। तेज रफ्तार ऑटो के सामने आया कुत्ता अनियंत्रित होकर पलटा, आशा कार्यकर्ता सहित 5 लोग घायल, सिविल अस्पताल में हुआ उपचार। लांजी थाना अंतर्गत ग्राम कड़ता से उपचार के लिए सिविल अस्पताल लांजी आ रहे लोगों से भरा एक ऑटो आज ग्राम बरका मुंडी के पास एक कुत्ते के सामने आ जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में जानकारी से अवगत कराते हुए आशा कार्यकर्ता गणेशी मात्रे ने बताया कि वे आज सुबह अपने ग्राम 3 लोगों को लेकर इलाज के लिए ग्राम कड़ता से लांजी सिविल अस्पताल आ रहे थे। ऑटो में लगभग 9 लोग सवार थे। ऑटो के पलटने के बाद घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से सिविल अस्पताल लांजी लाया गया, जहां उनका BMO प्रदीप गेडाम द्वारा इलाज किया गया। उल्लेखनीय है कि लांजी साली टेकरी मार्ग पर इन दिनों धड़ल्ले से ऑटो वाहन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर वाहन चालक ठूस ठूस कर सवारियां भर रहे हैं, जिससे आए दिन किसी न किसी मार्ग पर सड़क हादसे घटित हो रहे हैं। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। मेरा नाम है गणेशी मात्रे। कहाँ रहते हो? कड़ता। कहीं काम वाम करते हो? आशा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, क्या हो गया, कैसे घटना हुई? आज हम लोग ऑटो से आ रहे थे, चाबी टेस्ट के लिए मैं पेशेंट को लेकर आ रही थी। हाँ, तो आते आते सामने मतलब हम लोग ऑटो से थे और सामने कुत्ता छा गया है। अच्छा, तो ऑटो पलट गया। हाँ जी। कितने लोग थे ऑटो में? ऑटो में हम लोग मतलब 9 लोग थे। 9 लोग थे। कहाँ से बैठे थे? हम लोग कड़ता से बैठे थे। पूरे लोग कड़ता से बैठे थे? नहीं, बाकी लोग मतलब यहाँ से बैठे थे, कोठी से बैठे थे। हम लोग 5 लोग मतलब नंदोर नहीं कड़ता के आगे इधर 5 लोग बैठे थे। कितने लोगों को चोटें आई है मालूम है? सर, मेरे साथ में 3 लोगों को चोट आई है। कौन कौन है तुम्हारे साथ? है वो है कांति मात्रे, वो भी कड़ता की है। कड़ता की? तो मेरे साथ में 3 एनसी और है सर, उधर मरीजों को लेके आ रहे थे आप हॉस्पिटल? हाँ सर, यही सिविल अस्पताल लांजी आ रहे थे। जी जी। मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।